हेलो एवरीवन, ड्रीम फ्लावर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं क्लास 9th और 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अलादीन की कहानी इसमें बताई गई है, तो आइए हम बात करते हैं। पैसेज थर्ड, दो पैसेज मैंने यूट्यूब के ऊपर पहले अपलोड कर दिए है। यदि आपने अभी तक वो पैसेज नहीं देखी है तो रीडिंग स्किल्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप उन दोनों पैसेज को देख सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं पैसेज नंबर थर्ड की। अलादीन वाज अ पुअर बॉय, अलादीन एक गरीब लड़का था। हु फाउंड इन एन एंशिएंट टम्ब एन ओल्ड लैम्प, हु फाउंड जिसे मिला, एन एंशिएंट एक प्राचीन, टम्ब यानी होता है खंडर, एक प्राचीन खंडर में से, एन ओल्ड लैम्प एक पुराना चिराग, जिसे एक प्राचीन खंडर में से एक पुराना चिराग मिला। विच ही प्राउडली टुक होम, जिसे वह बड़े गर्व से घर लेकर आया। बट ही डिड नॉट नो, किंतु वह नहीं जानता था, वाट अ ट्रेजर कि क्या एक खजाना है। ही हैड फाउंड अनटिल ही बिगेन टू पॉलिश द लैम्प, उसे जब तक पता नहीं चला जब तक कि उसने उस चिराग को रगड़ना शुरू ना किया। मतलब पॉलिश, पॉलिश मीन्स होता है चमकाना या रगड़ना। एज सुन एज ही बिगेन रबिंग इट, जैसे ही उसने इसे रगड़ना शुरू किया, अ टेरिबल जिन अपियर्ड, एक भयानक जिन प्रकट हुआ। अपियर्ड का मतलब होता प्रकट होना, एक भयानक जिन प्रकट हुआ। हु टोल्ड हिम, जिसने उससे कहा, देट ही वाज द स्लेव ऑफ द मैजिक लैम्प, कि वहाँ इस जादुई चिराग का गुलाम है। मैजिक लैम्प का, लैम्प का मतलब होता है जादुई चिराग, कि वह इस जादुई चिराग का गुलाम है। एंड बाउंड टू डू एनी टास्क ऑफ हिज लॉर्ड एंड मास्टर, एंड बाउंड, बाउंड यानी होता है बंधन में बंधा होना, टू डू एनी टास्क, किसी भी कार्य को, हिज लॉर्ड, लॉर्ड यानी होता है स्वामी, एंड मास्टर यानी होता है मालिक, स्वामी और मालिक, और वह अपने मालिक के हर कार्य को करने के लिए बंधन में बंधा हुआ है। वेन अलादीन विज्ड फॉर एनीथिंग, जब भी अलादीन किसी चीज़ की इच्छा व्यक्त करता, विज्ड यानी होता है इच्छा व्यक्त करना, एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ की, ही वॉज ओनली, वह केवल टू रब रगड़ता द लैम्प, उस चिराग को रगड़ता, एंड जिन वुड अपियर्ड, और जिन प्रकट हो जाता टू कैरी आउट हिज विशेष, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। द जिन वाज गुड, जिन अच्छा था, एट हिज वर्क, उसके कार्य के लिए, फॉर ही सप्लाइड, क्योंकि वह सप्लाइड करता था अलादीन विद बाउंडलेस, बाउंडलेस वेल्थ, बाउंडलेस वेल्थ का मतलब होता है ढेर सारा धन उसने अलादीन को लाकर दिया। बिल्ट ए स्प्लेंडिड पैलेस, और बिल्ट यानी बना दिया, स्प्लेंडिड का मतलब होता है भव्य, पैलेस मीन्स होता है महल, और एक भव्य महल बना दिया। इन ए मोमेंट, एक क्षण में, मैरिड हिम, उसकी शादी करवा दी, टू द किंग्स डॉटर, एक राजा की बेटी से, और एक राजा की बेटी से उसकी शादी करवा दी। एंड मेड हिम अ प्रिंस, और उसको एक राजकुमार बना दिया। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मैं इसकी समरी आपको बताना चाहूँगा कि अलादीन एक गरीब लड़का था, जिसे एक प्राचीन खंडर में से एक पुराना लैम्प मिला, जिसे बड़े गर्व के साथ वो घर लेकर आया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह चिराग नहीं, एक खजाना है। उसे तब तक पता नहीं चला इसके बारे में जब तक कि उसने उस चिराग को रगड़ना शुरू नहीं किया। जैसे ही उसने उसको रगड़ना शुरू किया, उसमें से एक भयानक जिन निकला, जिसने कहा कि वह इस जादुई चिराग का गुलाम है, और वह अपने मालिक के हर कार्य को करने के लिए बंधन में बंधा हुआ है, जैसा भी मालिक चाहेंगे वैसा वो करेगा। जब भी अलादीन को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह उस चिराग को रगड़ता, जिन प्रकट होता है उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जिन उसके कार्य के लिए बहुत अच्छा था, जिन ने अलादीन के लिए ढेर सारा धन ला कर दिया, उसके लिए एक भव्य महल बना दिया, और उसकी
शादी करवा दी एक राजा की बेटी से और उसे एक राजकुमार बना दिया। आई होप आपको अब ये पैसेज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर आप मिलने वाला है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड गेट डेली वीडियो नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो फॉर माई हार्ड वर्किंग। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन अलादीन रब्ड द लैम्प, जब अलादीन ने लैम्प को रब्ड किया मतलब रगड़ा या उसको साफ करने लगा तो क्या हुआ। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हमें लिखने के लिए क्या करना है, इस व्हाट हैपेंड को हमें यहाँ से हटाना है, मतलब इतना हमें हटा देना है और आंसर लिखने के लिए हमें वेन के पास से शुरू करना है। तो हम लिखेंगे वेन अलादीन रब्ड द लैम्प, इतना लिखेंगे और इतना लिखने के बाद हम पेसेज में आएंगे और पैसेज में से लिखेंगे अ टेरिबल जीन अपियर्ड, एक भयानक जीन प्रकट हुआ। तो इसका आंसर बनेगा वेन अलादीन रब्ड द लैम्प अ टेरिबल जीन अपियर्ड, जब अलादीन ने लैम्प को रगड़ा या उस चिराग को रगड़ा तो एक भयानक जीन प्रकट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हाउ डिड अलादीन फुलफिल हिज विशेस, अलादीन की इच्छाएं कैसे पूरी हुई। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पैसेज में मिलने वाला है, हम इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे वेन अलादीन विज्ड फॉर एनीथिंग, जब भी अलादीन किसी चीज़ की इच्छा करता ही वाज ओनली रब द लैम्प, तो वहाँ उस चिराग को रगड़ता एंड जीन वुड अपियर टू कैरी आउट हिज विशेस, और उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नेक्स्ट प्रकट हो क्वेश्चन जाता है। है फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से एक शब्द ढूंढना है विच मीन्स, जिसका मतलब होता है वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड का मतलब होता है बहुत पुराना। इसका आंसर हमें पैसेज में से ढूंढ के लिखना है, तो देखिए हम पैसेज में इसको ढूंढते हैं कहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। पहली लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है एंशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड जिन टेल अलादीन, जिन ने अलादीन से क्या कहा। तो इसका आंसर हमें यहाँ से शुरू करना है, हु के स्थान पर जिन लिखेंगे, जिन टोल्ड हिम दैट ही वाज द स्लेव ऑफ मैजिक लैम्प, वहाँ इस जादुई चिरा का गुलाम है एंड बाउंड टू डू एनी टास्क ऑफ हिज लॉर्ड एंड मास्टर वांटेड, और वह अपने मालिक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बंधन में बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन बिल्ट, जिन ने बना दिया, जिन बिल्ट जिन ने बनाया फॉर अलादीन, अलादीन के लिए जिन ने अलादीन के लिए बनाया, क्या बनाया, अ हाउस एक घर, अ पैलेस एक महल, और टम्ब एक खंडहर। तो इसका सही आंसर है अ पैलेस एक महल, जिन ने अलादीन के लिए एक महल बनाया। आई होप आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं और इनके आंसर यहाँ पर ये मैंने अच्छे से बना के लिख दिए हैं, चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।